वजह से नागपुर और आसपास आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही सोमवार को सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। बादलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार और सोमवार को नागपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के नीचे पहुंच गया। इससे वातावरण में नमी रही और हल्की गुलाबी ठंड का एहसास नागपुर वासियों को होता रहा। पश्चिमी विक्षोभ के अरब सागर की ओर बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में ठंडी हवाओं का दौर आरंभ हो गया है। आने वाली हवाओं में आर्द्रता होने के कारण बूंदाबांदी होने की संभावना बढ़ गई है। पूर्व पश्चिम विदर्भ में भी आसमान में बादल छाए हैं। नागपुर के अलावा गोंदिया भंडारा में दिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में नागपुर में रात के तापमान में 1.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। नागपुर में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि गोंदिया में 29.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।